बारिश हो रही है जैसे, तो बारिश के सीजन में क्या होता है, ये जो आप देखते हैं ना शीशे पे, ये भाप, स्टीम, फोग, कुछ भी आप बोलो, एक तो बारिश के सीजन में होती है, दूसरा सर्दियों में। तो इसे हटाते कैसे, सबसे पहली बात ये आती क्यों है। तो जैसे एक पानी की बोतल होती है, सपोज़ ये पानी की बोतल है, मान लो मैं दूसरी वाली बोतल की कह रहा हूँ, ये तो थर्मोस्टील है, तो अंदर ठंडा पानी, बाहर आपने देखा होगा पानी की बूंदें आती है उस बोतल के, तो एक दीवार है, अगर उसके इस तरफ ठंडा है तो जिस भी साइड ठंडा होता है ना उसके ऑपोजिट साइड ये स्टीम, भाप, वाटर ड्रॉपलेट ये है, कंडेंस होके ये बनती हैं। तो अगर सर्दियों में बाहर ठंड है तो अंदर जमेगी, अंदर ठंड है तो बाहर जमेगी। तो अब ये मैं बता देता हूँ इनको दूर कैसे करना है। तो अगर मान लो जैसे मेरी गाड़ी में डिफॉगिंग का ऑप्शन है, तो अगर ये है तो आप कर लो, अदरवाइज़ मैं बता देता हूँ क्या करना है। ये वैसे होता भी एसी की वजह से, अगर बारिश में करते हो ना, तो मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे अब गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब ये हो गया, तो आपको एसी ही चलानी पड़ेगी। और जो मोड है ये देखो, यहाँ पे मोड चेंज हो रहा होगा, अगर दिख रहा है क्लियर, ये कर देना। कई बार विंडशील्ड का होता है कुछ गाड़ियों में, अगर बटन घुमाने वाला होता है तो विंडशील्ड पे कर देना, और इसका टेम्परेचर कम कर देना, ठीक है, और अब चला देना। बारिश में खासकर बाहर जमता है तो वाइपर ये चला सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत इससे क्लियर हो जाएगी, बाकी इस एसी से ही होगी। अभी ये धीरे धीरे अभी, और ये जो है इनकी डायरेक्शन विंडशील्ड की, इनके जो कांच है इनकी तरफ कर देना। अब जो देखोगे यहाँ मैं फील कर रहा हूँ हाथ से, तो यहाँ पे निकल रही है एसी की जो है, यहाँ निकल रही है, तो वो अब डायरेक्ट देखो, अब साइड का ये है और ये धीरे धीरे, ये तो वाटर ड्रॉपलेट है, ये तो भाई एक बार कांच नीचे करोगे ऊपर करोगे तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, हो गया। बाकी फ्रंट की भी चली गई, और थोड़ा बहुत एक बार वाइपर चला देना, लो क्लियर हो गई। तो ऐसे करके होती है। तो ये तो हो गया मैनुअली, जिन गाड़ियों में फ्रंट डिफॉगिंग का जैसे ऑप्शन डेडिकेटेड नहीं आता है, तो ये तो हो गया इनका। चलो ये तो हो गया, स्पीड कम कर देता हूँ, एसी मैंने ऑफ कर दी। अब अच्छा, एसी ही चलानी है हमेशा, हीटर मत चलाना। हीटर कई बार अगर सर्दियों में भी चलाओगे तो वो उल्टा और ज़्यादा भर देता है गाड़ी के अंदर भाप। मैं फ्रंट का ऑप्शन कर देता हूँ, तो जैसे ब्रेजा या, और ये जो बाहर की हवा है अंदर कर देना, अंदर ही अंदर रिसर्कुलेट मत करवाना इसे, ऐसे में नहीं करेगी। ऐसे में अगर कर दिया और आप ही जो अपना डिफॉगर चला रहे हो उल्टा भर देगा, तो इसे डायरेक्शन हमेशा बाहर से अंदर, ओनली एंड ओनली केस ऑफ फॉगिंग, जो ये भी डिफॉगिंग होती है उस केस में आप बाहर से अंदर करोगे, ठीक है। मैंने फ्रंट का चला दिया, हो गया। अब देखो, अब जैसे मेरा पीछे सामान रखा है तो यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा। अब जिन गाड़ियों में जैसे रियर डिफॉगर डिमिस्टर होता है, तो उनमें रियर का अगर बटन है डेडिकेटेड, तो ये दबा दो तो अभी पीछे भी कर देगा धीरे। वो थोड़ा टाइम लेता है, वो इतना क्विक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्स आते हैं, हवा निकलती है, लेकिन वहाँ पे पतली पतली स्ट्रिप हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ज़्यादा करोगे तो हीट होंगी, कम करोगे तो कोल्ड होंगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगी। तो वो देखो, अगर यहाँ से क्लियर तो नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से लाइन के पास जगह बननी शुरू हो गई है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर दोगे तो जल्दी कर देगी। मैं तो यहाँ से क्लियर देख पा रहा हूँ, शायद वीडियो में ना हो, बट वहाँ पे स्पेस धीरे धीरे बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके होता है डिफॉग। फ्रंट का भी मैं दोनों साथ चला सकता हूँ इस गाड़ी में, मैंने फ्रंट का चला दिया, ये देखो ये सबसे जल्दी करता है। मतलब अगर जिस गाड़ी में डिफॉगिंग का डेडिकेटेड ऑप्शन है, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सर्दियों के टाइम पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, एसी चलाना, हीटर नहीं, डायरेक्शन इनकी तरफ कर देना, टेम्परेचर कम रखना, वेंट्स को इधर कर देना, और मोड चेंज कर देना, बाहर से अंदर की हवा लेनी है, ना कि अंदर के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जिसको ज़रूरत हो इस चीज़ की ना पता हो उसके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।